जो आप खरीद रहे हैं, जो आप कह रहे हैं फलाना जोगा और फलाना शर्मा जी और फलाना क्या बता रहे हैं, उसमें तो चार पांच नाम थे, जोगा क्या नाम माने का ये है। तो जो जो आपको बेच रहे उनका नाम बताओ ना। खीम सिंह, तो उनकी डेट वाइज आमद बताओ। ये 59.8 क्या है? कब आया? सर ये नवंबर का है। लेटेस्ट बताओ। नहीं, इन पे कहीं कहीं 260 की एंट्री थी, कहीं 210 की। अलाउ नहीं है, लेकिन जो जो चीज मानक में नापते होंगे तो वो भी दूध का बना होगा। इसमें जो चेक होता है वो फैट चेक होता है, इसमें फैट कितना है। तो जो अगर इसमें ये कोई ऐसी चीज़ मिला रहे हैं रिफाइंड या मिल्क पाउडर मिलाएंगे तो फैट कम हो जाएगा। तो उसमें फैट फैट में कम आया होगा, फैट फैट कम आ जाता है। अभी वाले में तो मुझे जो दिख रहा है आलू मिलावट नहीं दिख रही है, जो दिवाली पर आते हैं वो 100-125 रुपये किलो आते हैं, आधा आलू आधा मावा। आलू का मैं तो मैं देखिए, ये रामलीला मोहल्ले में एक्चुअली एक होलसेल व्यापार है जो मावे का है। तो ऐसे ही स्कूटर पे कोई खुले में दो बोरे लेके जा रहा था, तो उसको साफ़ सफाई क्योंकि मैं शहर की देख रहा था तो उसमें देखा गया, तो पता चला यहाँ से आ रहा है। तो अंदर आने पे पता चला है कि ये मावा अलग अलग जगहों से आता है। औसतन कॉस्ट आप इसको 210 रुपये किलो से परचेज़ कर रहे हैं, इसको देख के डाउट हो रहा है कि इतना सस्ता कैसे है, और अगर दूध से वाकई बनेगा तो इसकी कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। सेकेंडली, जो इसको बेचने का तरीका है फर्श में नीचे रख के, जो आप देख ही पा रहे हैं खुले में, ये भी एक उचित तरीका नहीं है साफ़ सफाई की दृष्टि से। आप जानते हैं मावा सभी मिठाइयों में यूज़ होता है, सभी घरों में जाता है और पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। थर्डली, ये जो संस्थान जहाँ का है वहाँ पर चल भी नहीं रहा है, इसका एड्रेस कहीं और है, ये चल कहीं और पर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वैसे अलग अलग जगहों से मावा आ रहा होगा तो कब का है, कितना पुराना है, कहाँ से आ रहा है, ये रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ है जो सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, एनीबडी, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसको बहुत ध्यान देना है इस बार, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जो समीक्षा हो रही है, जो 30-point प्रोग्राम के माध्यम से मैं भी करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, उसमें बड़ा अहम मुद्दा मिलावट का है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी समीक्षाएँ होती हैं, उसमें ये बार बार बात आती है कि खाने पीने में साफ़ सफाई अगर नहीं है उचित और मिलावट की कोई आशंका है तो लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को यहाँ पर बुलाया गया, वो सैम्पल्स तो लेंगे ही, साथ ही जो अनहाइजीनिक तरीके से इसको रख रहे हैं उस पर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और मैंने ये भी कहा है कि इसको इससे भी मिलान कर लें कि अल्टीमेटली ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और जिन जगहों से बन रहा है वहाँ पे इसको बनाने की क्या व्यवस्था है, क्या वो ठीक जगह बन रहा है, ऐसा तो नहीं इसमें कुछ अलग से चीज़ मिलाई जा रही है जिससे कि इसकी कीमत कम आ रही हो और हेल्थ से एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। कुछ